खरगोन के वार्ड क्रमांक एक के रहवासियों ने नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाकर पोस्टर टांग दिए, वह मतदान नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि विगत 50 वर्षों से यह रहवासी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित है और इसी बीच उन्होंने मतदान नहीं करने का मन बना लिया है। हम आपको बता दें कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव होते ही रहवासी समस्याओं से परेशान होकर मतदान से मुकरने लगे हैं। शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र भाडली में रहने वाले रहवासियों ने पीएम आवास दिलाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि 10 साल से जमीनों पर कब्जा दिया हुआ है, जिसके शौचालय पीएम आवास नाली से आज भी वंचित है और अब उन्होंने चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आगामी समय में धरना प्रदर्शन करने का उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। की समस्या है सर, हमको पट्टे नहीं मिल रहे, हमारे से झांसा दे दे के वोटिंग ले जाते ना चले जाते, ये आते वो ना आया, वो आया वो आया, सबको दे देते वोट ने चले जाते, हमारा कुछ भी निराकरण नहीं हुआ गांव का, तो फिर हम करेंगे क्या? हम कहीं बच्चों उनको लेके इधर उधर थोड़ी झोपड़ी झोपड़ी पड़े रहेंगे। और क्या समस्या है गांव में? समस्या ये बुड्ढी उन कितने साल की हो गई, 60-60, 70-70, 80-80 साल के, तो हमारा गांव को क्या घोषित करवाया 10 साल का, हम 10 साल से रह रहे हैं, ये बुड्ढी उन 10 साल की है खाली, इनकी 10 साल की उम्र है। आपने कोई आवेदन वगैरह दिए थे? सब दिए, हम 10 बार जाए, हम सब लेडीज होन जाए, जेंट्स उनको भगा देते थे, हम लेडीज जाके वहाँ समस्या हाल बताते थे, हमको बाहर भगा देते। कहाँ पे दिया आवेदन? खरगोन यहाँ कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर से 4-4 बार दे के आए हम, एक कलेक्टर आते बदली हो जाती, वो कलेक्टर आते बदली हो जाती, फिर हमारे गांव के कागज पत्र ले लेते, कहा फेंक देते। अच्छा, समस्या भी है नाली वगैरह? नाली वगैरह सबकी समस्या है, हर चीज की समस्या है, हमको कुछ नहीं मिलता। समस्या बहुत सारी सी है, कुछ नहीं मिलती हमारे। क्या क्या समस्या है आपकी? बस ये पट्टे चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए, हमको सब चाहिए। अच्छा, क्या इस बार वोट नहीं डालोगे आप? नहीं डालेंगे ना, नहीं डालेंगे। क्या नाम है आपका? माया सोलंकी। गलियों उनका काम भी नहीं, कई पट्टे मिले नहीं, कई आवास योजना का लाभ नहीं मिला, हमारी 3 पीढ़ी तो मर गई, मेरे दादा के दादा मर गए, मेरा बाप भी मर गया, मेरी भी मतलब 49 साल उम्र हो गई यहाँ पे, और पहले से मैं स्कूल में यहीं पे पढ़ा, तो कम से कम 60 से 70 साल हो गए यहाँ पे गाँव बसे हुए को, मतलब सब मिली भगत से मतलब अलग अलग रुपया खा के केस को दबा देते हैं, गांव वाले को कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे, अभी कई विकास कार्य नहीं हुए, विकास कार्य कहीं नहीं हुआ, जहाँ का वही है, मतलब थोड़ा थोड़ा माल डाल दिया, गली का भी कई काम नहीं हुआ है। देखो तुम मतलब कितनी खतरनाक, कितनी बेकार मतलब गलियों ने, मतलब पाँव धरते यहाँ पे डर लगता, कीड़ा काट मतलब सांप बिच्छू सब निकलते यहाँ पे। तो क्या वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं? वोटों का बहिष्कार क्या, अब सुनवाई नहीं हो रही, 60 साल से अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हम? ऐसे भी सुनवाई हो नहीं रही, ऐसे भी नहीं हो रही सुनवाई। चुनाव में वोट डालो के? नहीं, चुनाव में वोट हमको आश्वासन सब देते देते जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? हमको पट्टे की तैयारी हमारे यहाँ पे भले कल आ जाए और हमको लिखित में दे दे कलेक्टर साहब की, एडम साहब, हम तैयार सब हो जाएंगे। आबादी घोषित कर दिया, आबादी घोषित कर दे, हमको लिखित में दे दे, हम सब डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, हम भी मतलब रहवासी यहाँ के। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश पिता शुक्लाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।